ब्रॉडशीट स्कैंडल की वफाकी काबीना में गूंज, वजीर आजम को ब्रीफिंग। कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात पेश की। काबीना बैठक के एलामिया के मुताबिक ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया। सरबराही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दो। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मौलाना ने हुकूमत से लड़ाई को जिहाद करार दे दिया। बोले, मैदान में निकल आए हैं, अब पीछे हटना गुना है। महमूद अचकज़ई अवाम को बगावत पर उकसाने लगे, मौलाना से फतवा मांग लिया। मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे के भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ मजे। और अल्लाह ताला मौलाना पर रहम करे। वजीर दाखला शेख रशीद अहमद का महमूद खान अचकज़ई की तकरीर पर रद्दअमल। पीडीएम के एहतजाज को फ्लॉप शो करार दे दिया। फौरी लॉन्ग मार्च का चैलेंज दे दिया। शिबली फराज ने कहा, महमूद अचकज़ई ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं।